नमस्कार दोस्तों, भाग्यलक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय कोर्ट में साफ साफ ऑर्डर मिलता हुआ नजर आएगा कि लक्ष्मी इस समय अपनी बेटी से दूर नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी से दूर होना कहीं ना कहीं लक्ष्मी के शायद भाग्य में लिखा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी एक नहीं बल्कि इस समय एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी के अंदर एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट दस्तक देगा, जहाँ पर साफ साफ इस समय बोलती हुई नजर आने वाली है आखिरकार मलिष्का, कि ये लक्ष्मी इतनी तेज क्यों है नसीब की जो आखिरकार इसका ही नसीब साथ देता है, क्योंकि अब मलिष्का की पूरी तरीका से बैंड बजती हुई भी नजर आने वाली है। मलिष्का को लग रहा था कि मैं तो जीत जाऊंगी, लेकिन जीतना तो बहुत दूर की बात है। अब मलिष्का शायद ऋषि के साथ भी ना रहे, क्योंकि कोर्ट ने इनकी शादी को इनवैलिड बता दिया है। और इनवैलिड बताने के बाद में आप लोग जानते ही हैं कि एक बार फिर से सभी लोगों को ये भी पता लगेगा कि हाँ, अपनी जगह लक्ष्मी सही थी और मलिष्का अपनी जगह बेहद ज़्यादा गलत थी। जी हाँ, क्योंकि लक्ष्मी ने उस चीज़ को बहुत पहले ही सारांश दे दिया था। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं जो होगा अच्छे के लिए होगा और जो होता है वो और भी अच्छे के लिए होता है। आप लोगों जानते ही हैं कि इस समय कई और भी एक्टिविटी होती हुई ही नज़र आ रही हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं हर एक चीज़ के पीछे बेहद बड़ी सोच जन्म लेती है, और इस समय थोड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सोच जन्म लेती हुई भी नज़र आ रही है लक्ष्मी और ऋषि की फीलिंग के तहत। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।